नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल वीकली रीडिंग जो होगी 1 से लेके 8 जून तक की होगी। ये रीडिंग, ये एक जनरल रीडिंग होगी तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप सेजिटेरियस हो यानी धनु राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर एंड कॉमेंट करना भी ना भूलिएगा। देखते हैं सेजिटेरियस यानी धनु राशि आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, आपका हेल्थ, आपका फिनेंस, आपका जॉब, बिजनेस, लव लाइफ, सिंगल लाइफ एंड बाद में लेंगे एक गाइडेंस कार्ड। देखते हैं सजिटेरियस यानी धनु राशि आपके हेल्थ में क्या आता है। सजिटेरियस यानी धनु राशि हेल्थ 6 ऑफ कप्स, आपका हेल्थ बहुत ही अच्छा रहेगा। हो सकता है इन दिनों आपका इमोशनल जो साइड है आपको इमोशनल फुलफिलमेंट मिल सकता है। हो सकता है आपके कोई रिश्तेदार, नाना, चाचा, दादा कोई आपसे मिलने आ सकता है या पुराने दोस्त, पुराने रिश्तेदार जिससे मिलके आपको बहुत ही खुशी मिलेगी और आपका इमोशन जो है वो फुलफिलमेंट होगा। या फिर आप किसी के साथ मिलने जा सकते हो जिससे आप बहुत दिनों से मिले नहीं, जिसको देख के आप खुश हो जाते हो, इस तरह का कोई पर्सन हो सकता है आपका। जैसे मैंने कहा दादी, नानी, दादा, नाना, काका, मामा, चाचा, कोई ऐसे रिश्तेदार, कोई ऐसे दोस्त, कोई ऐसे बंधु जो आपसे दूर रहता है लेकिन उनसे मिलके आपका जो इमोशनल साइड है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। आप फिजिकली और मेंटली दोनों ही अच्छे रहोगे। अभी देखते हैं जो आपके फिनेंशियल स्टेटस कैसे रहने वाला है। पेज ऑफ कप्स, फिनेंशियली भी आप खुश रहोगे। अगर आपका कोई परेशानी था पैसों को लेके तो उसमें थोड़ी राहत आपको मिल सकता है। अगर आप चाह रहे थे कि इसमें कोई परिवर्तन हो तो हो सकता है। अगर आपका पैसा कहीं अटका हुआ है, जो पैसा आपको मिलना है वहाँ से आपको कुछ पैसा मिल सकता है। और आपका जो विश है, जो मेंटली आप अगर चाह रहे थे कि इस पैसे से मैं ये करूँगा वो करूँगा या ये करूँगी वो करूँगी तो आप वो कर सकते हो। फिनेंशियली आपका पोजीशन बहुत ही अच्छा रहेगा, ये नहीं कह सकती लेकिन अच्छा रहेगा और आप खुश रहोगे। जो पैसा आपको मिलना था, कहीं से भी अगर आपको पैसा मिलना था तो वहाँ से आपको पैसा मिल सकता है, अगर आपका पैसा कहीं रुका हुआ था। अभी देखते हैं जो स्टूडेंट है, द एम्परर, स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा कार्ड आया है। आपको अपनी स्टेबिलिटी पर काम करना पड़ेगा, आपको बहुत सारा मेहनत करना पड़ेगा, आपको मेहनत से अपनी स्टेबिलिटी पानी पड़ेगी। अगर आप मेहनत कर रहे थे तो अभी ये वक्त है कि आप उसका परिणाम पाओ। आपको अच्छी जॉब मिल सकता है, हायर स्टडी के लिए अच्छा सेंटर आपको मिल सकता है। चाहे अगर आप विदेश जाना चाहते थे तो भी उसका चांसेस आपको मिलेगा। इन दिनों आपके जो स्थिति है बहुत अच्छे रहेंगे और आप अपने मेहनत से, अपने श्रम से, अपनी बुद्धि से आप ये सारी चीज़ को पाओगे और आप खुश भी रहोगे, आप स्टेबल भी रहोगे। मेहनत से आपको स्टेबिलिटी मिलेगा। जो मेहनत आपने किया था पहले अगर किया था तो उसका परिणाम अभी आपको मिलने वाला है। अभी देखते हैं जो जॉब करते हैं उनके लिए क्या आता है। जो जॉब करते हैं एस ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड, आपके आप जहां जॉब कर रहे हो अचानक से आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकता है। हो सकता है अगर आप बहुत दिनों से जॉब ढूंढ रहे थे तो आपको कहीं से नया जॉब का ऑफर आ सकता है, अचानक से आपको एक जॉब का ऑफर आ सकता है। या फिर आपने अगर बहुत दिनों से कहीं जॉब के अप्लाई कर रहे थे और नहीं मिल रहा था तो भी आपको एक नया ऑफर आ सकता है। या फिर आप जो भी काम करते हो सकता है आप सेल्स में हो, मार्केटिंग में हो, या फिर आप जिस तरह के जॉब मतलब
जो मीडिया के माध्यम से किया जा सकता है, या फिर जिसमें बहुत सारे बात करने पड़ते हैं, या फिर अगर आप किसी कहाँ कहीं के एग्जीक्यूटिव हो, कुछ भी हो, वहाँ से आपको कुछ नया मिल सकता है। हो सकता है आपका कोई नया क्लाइंट ही बन जाए, और आप जो बनेगा, जो जिसके साथ आपका बिजनेस जॉब के लिए आप बात करोगे, जिसके बारे में आप सोचा भी नहीं था, सोचे भी नहीं थे, उनसे आपका हेल्प आपको मिल सकता है जॉब के सिलसिले में। या फिर अचानक से आपने, जैसा मैंने कहा कि आपने सोचा नहीं था, लेकिन कहीं से जिस जगह के बारे में आपने सोचा नहीं था, वहाँ से आपको अच्छा परिणाम मिल सकता है, आपको नए जॉब के ऑफर भी आ सकते हैं। अभी देखते हैं, जो लोग बिजनेस करते हैं, टू ऑफ वांड्स के कार्ड, मुझे लगता है जो लोग बिजनेस करते हैं उनको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। आप जिस तरह के रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हो, इसमें आपको और थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। इतनी जल्दी मुझे नहीं लगता है कि आपको वो परिणाम मिलेगा। हालांकि आपके पास अच्छे ऑफर है, बिजनेस के अच्छे ऑफर है, आप अच्छे से काम कर रहे हो, लेकिन आप चाहते हो बिजनेस को एक्सपेंड करना, विदेश जाना, विदेश में फैलाना, तो आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ सकता है। हो सकता है आपको जो ऑफर मिल रहा है उससे आप खुश नहीं हो। अभी देखते हैं, जो लोग सिंगल है उनके लिए क्या आता है। जो लोग सिंगल है, द हायरोफेंट कार्ड खुद से आया है, लेना ही पड़ेगा। द हायरोफेंट जो सिंगल है, अभी उनके लाइफ में बहुत दिनों से, हो सकता है आप सिंगल हो, कोई नहीं आ रहा है, लेकिन धीरे धीरे एक छोटी सी बेबी स्टेप लेके कोई आपके लाइफ में आ सकता है, आपके लाइफ में नई शुरुआत हो सकता है। लेकिन ये जो रिश्ता होगा, ये स्पिरिचुअल रिश्ता होगा, हो सकता है भगवान ने किसी को भेजना है आपके तरफ। और ऐसा भी हो सकता है कि आपको लग सकता है कि अभी जो कुछ होना है गॉड के भरोसे होना है, जब वो सही समझेंगे मेरे लिए जो कुछ भी, तो वो मेरे लिए भेजेंगे। आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ चले जाओगे, आपको लगेगा कि मुझसे जबरदस्ती से कुछ करने से अच्छा है मैं भगवान पर छोड़ देती हूँ या छोड़ देता हूँ, जो मेरे लिए सही होगा वो वही करेंगे मेरे लिए। इसीलिए आप इन दिनों अपने आप से कोई रिश्ता बनाना, रिश्ते के बारे में सोचना कुछ नहीं करोगे, आप सब कुछ भगवान के भरोसे छोड़ दोगे। आपको लगेगा जो भी आ रहा है, जो भी हो रहा है, ये सारे उनके मर्जी से हो रहा है। वैसे तो होता भी है, हमारे मर्जी से तो कुछ नहीं होता है, जो उनके मर्जी होते हैं वही होता है। वही है, करता करता हूँ मैं लेकिन करवाते हो तुम, इस तरह की एनर्जी हमारे सब में है। हम कुछ नहीं करते हैं, जो वो चाहते हैं वही होते हैं, भगवान जो चाहते हैं। अभी देखते हैं, जो रिश्ते में है, फोर ऑफ पेंटिकल्स, जो रिश्ते में है उनके रिश्ते में पैसों को लेके थोड़ा तानाशाही हो सकता है। हो सकता है आप पैसा खर्च नहीं करना चाहते हो, या आप पैसों को सेविंग्स करना चाहते हो लेकिन आपका पर्सन ये नहीं चाहता है, या फिर आपके पर्सन चाहते हैं आप नहीं चाहते हो। और ऐसा भी हो सकता है कि रिश्ते में थोड़ा कंट्रोलिंग नेचर भी आ सकता है। हो सकता है कोई एक है जो दूसरों को कंट्रोल करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उनके मुताबिक सारे रिश्ते चले। और ऐसा भी हो सकता है, तीन किस्म के चीज़ हो सकते हैं। एक तो रिश्ते में एक पैसे को सेविंग्स करने को लेके बातचीत हो सकता है, परेशानी थोड़ी सी आ सकता है। किसी के लिए किसी रिश्ते को कंट्रोल करने की संभावनाएं हैं। दो लोगों में कोई एक ऐसा होगा जो रिश्ते को अपने मुताबिक चलाना चाहेंगे, कंट्रोल करना चाहेंगे। और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों में लड़ाई झगड़ा पहले हुआ था, या फिर अगर इन दिनों होता है तो उस बात को वो कोई एक दोनों में से, जिसके भी एनर्जी से ये मैच करता है आपको पता है, करेगा जब, तो देखिएगा कोई एक ऐसा होगा जो बात को पकड़ के बैठे रहेंगे। आपने मुझसे ये कहा, आपने मुझे ये बोला, ये आपने गलत किया, वो आपको बोलना नहीं चाहिए था,
ये सब चीजें लेके थोड़ी रिश्ते में परेशानी आ सकता है। तीन कारण हो सकता है, पैसों के कारण, बात को पकड़ के दिल में लगा के बैठने के कारण, और रिश्ते को कंट्रोल करने के कारण से भी रिश्ते में परेशानी आ सकता है। अभी देखते हैं यूनिवर्स जी क्या कहना चाहते हैं। प्लीज यूनिवर्स हेल्प कीजिए, जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए आपके तरफ से क्या संदेश है। टू ऑफ सोर्ड्स, यूनिवर्स जी आपसे यही कह रहे हैं कि आपको अपने माइंड को सेट करना पड़ेगा कि आपको क्या चाहिए, क्या आपके लिए सही है, क्या नहीं है। आप अगर कंफ्यूज रहते हो, चाहे वो रिश्ते में हो, प्यार में हो, कहीं भी अगर आप कंफ्यूज रहोगे, कंफ्यूजन के चलते आपके सारे चीज़ खराब होगा। इसीलिए क्लियर माइंड से, ओपन थॉट्स से, मतलब आपको सही तरह से सोचना पड़ेगा कि आपको चाहिए क्या, तब जाके आप कोई भी काम कीजिए, चाहे वो रिश्ते में हो, जॉब में हो, बिजनेस में हो, जहाँ भी काम कीजिएगा दिल से सोचिएगा, कंफ्यूज मत रहिएगा कि ये करना है या नहीं करना है, ये सही है या गलत है। इस तरह की सोच से आप अगर कोई भी काम करोगे तो उसका परिणाम कभी भी अच्छा नहीं हो सकता है, क्योंकि कंफ्यूजन में तो क्लैरिटी नहीं होता है। इसीलिए आपको अपने माइंड को स्टेबल बनाना पड़ेगा, तब जाके डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको क्या चाहिए, किस चीज़ से आपको खुशी मिलती है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, आपको उस तरह से सोच के काम को आगे बढ़ाना चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।